आज मैं मेरी रसोई में लाई हूँ सूजी के पापड़। तो याद रहे, वीडियो को स्किप ना करें, इसको पूरा देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में कई ट्रिक बताई हैं जिससे आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सूजी के पापड़ बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक माप ले लेते हैं। जैसे हमने ये एक कप का माप लिया है और हमने इसमें एक कप सूजी ली है, इसी तरीके से आप चाहे तो कटोरी का माप ले सकते हैं, कप का माप ले सकते हैं, मगर इसमें माप होना जरूरी है। तो ये हमने एक कप सूजी ली है, आप मोटी पतली कैसी भी सूजी ले सकते हैं। जितनी हमने सूजी ली है उसी के नाप से हमें करीबन 6 कप पानी लेना है। तो हम 6 कप पानी डालेंगे इसमें पतीले में। ये हमने 6 कप पानी डाल दिया है और अब हम इसमें ये एक कप सूजी डाल देते हैं जो हमने आपको दिखाई थी। ये हम इसमें एक कप सूजी डाल देते हैं। सूजी डालने के बाद इसमें एक चम्मच हम इसमें जीरा ऐड कर देते हैं और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, हमने ये रिफाइंड ऑयल डाला है। अब हम क्या करेंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर हम पहले गैस जला देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और हमारी सूजी में जो गांठे हैं उससे हमारे पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हमें इसको सूजी डालने के बाद चलाना है और उसके बाद ही हम इसमें गैस ऑन करेंगे। तो अब हम गैस ऑन कर देते हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज रखना है हमें और इसको चलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना पड़े। पापड़ बनाते समय सिर्फ आप इसका मेजरमेंट ध्यान रखिए, 1 कप सूजी और 6 कप पानी लेना है और इसमें हमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे ही हमारा पानी गर्म होने को होगा वैसे ही हमारी सूजी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। इसे याद रखिए, लगातार चलाते रहना है। ये देखिए हमारी सूजी में उबाल आने वाला है तो ये एकदम गाढ़ी होने लगी है। ये देखिए इसका पानी भी अच्छे से मिक्स होने लगा है। ये देखिए हमारी सूजी में उबाल आ चुका है। जैसे उबाल आएगा हम इसको मीडियम कर देंगे और चलाएंगे और इसमें हम 1 चुटकी भर मीठा सोडा डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सोडा डालने के बाद हम इसे बंद कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। ये हमें इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा ही ठंडा करना है ताकि हमारे पापड़ जो है अच्छे से फैल जाए, गरम गरम में, ठंडे में नहीं फैलेंगे। तो इतने हमारा सूजी का जो बैटर है वो ठंडा होता है। हम एक पोलोथीन लेंगे, जो पोलोथीन आपके घरों में आसानी से मिल जाएगी, और उस पे हम तेल या घी कुछ भी लगाएंगे और उसको चिकना करेंगे तो हमारे पापड़ इससे आसानी से उतर जाएंगे। अब ये देखिए हमारा घोल थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो हम इसे जल्दी जल्दी करके फैला देंगे। तो हम एक चम्मच लेंगे और उस चम्मच की सहायता से घोल को इस तरीके से पोलोथीन के ऊपर डालेंगे और ऐसे फैला देंगे। हमें इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद पतले हो जाएंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा सा मोटा रखिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं तो ज़्यादा पतला भी नहीं। चाहे आप इतने छोटे बनाएं तो 1 चम्मच ले लीजिए, अगर आपको बड़े पापड़ बनाने हैं तो आप 2 चम्मच घोल डाल दीजिए तो आपका पापड़ अच्छे से बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे पापड़ बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी पापड़ को बना के एकदम रेडी कर दिया है। अब हम इसको धूप में सुखाएंगे। इसको करीबन हम 2 दिन की धूप लगाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं। 2 दिन हो चुके हैं हमारे पापड़ को सूखते हुए, हमारे पापड़ बनके एकदम रेडी हैं। ये देखिए आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं या बच्चों के टिफ़न में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हल्के रहते हैं क्योंकि ये सूजी के पापड़ हैं। तो हम इन्हें आपको तलकर दिखाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।